अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, उन्हीं लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पोजीशन वेक्टर के एग्जांपल को देखते हैं कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल दिया जा सकता है तो कैसे दिया जा सकता है एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो बेटे, लेट सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट पी। बेटा, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं इस जगह पर एक ग्राफ बना रहा हूँ। न्यूमेरिकल में आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूँ ताकि आपको पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक कोई पॉइंट पी है। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट का अगर मैं पोजीशन वेक्टर लूँ, बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो रेफरेंस पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट की पोजीशन को शो करता है। तो बेटा ये पॉइंट P हो गया, और पॉइंट Q भी आपके पास मौजूद है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मुझे एक पॉइंट Q दिया गया है, और बेटा इस पॉइंट Q का भी मुझे क्या दिया गया है? एक पोजीशन वेक्टर दिया गया है। यानी दोनों पॉइंट P और Q दोनों के मुझे पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। बेटा पोजीशन वेक्टर आप कहाँ से लेते हैं? वही किसी फिक्स्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट से आपने क्या ले लिया बेटा? इसका भी पोजीशन वेक्टर ले लिया। बेटा दो पॉइंट है पी और क्यू। जो पोजीशन वेक्टर पी का है वो क्या है? आर वन है। तो बेटा बाद में क्यू आ रहा है, तो आर टू किसका होगा? पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो आर वन वैक्टर है ये शो कर रहा है पॉइंट पी की पोजिशन को, और जो आर टू वैक्टर है ये शो कर रहा है पॉइंट क्यू की पोजिशन को। हमें मालूम क्या करना है? डिटरमाइन पी क्यू, मतलब आपने पॉइंट Q की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट के नहीं बतानी है। बल Q की पोजीशन मैं जानता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजन। ओरिजन के हिसाब से Q की पोजीशन क्या है? R2 है। अब आपने PQ पोजीशन वेक्टर बताना है, मतलब Q की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू P। तो बेटा हमने डेटा बना लिया, R1 इसके बराबर है, R2 इसके बराबर है। हमें मालूम क्या करना है? PQ मालूम करना है। बेटा पी क्यू मालूम करना है, मतलब पी से स्टार्ट करना है और क्यू पर हमने एंड करना है। ये जो पोजीशन वेक्टर है बेटा, इस पोजीशन वेक्टर को मैं क्या कहूँगा? दिस इज एक्चुअली पोजीशन वेक्टर पी क्यू। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए जब भी हमें बेटा किसी पोजीशन वेक्टर को इस सूरत में मालूम करना हो, तो बेटा हम क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर पी क्यू ये बराबर हो जाएगा, किस चीज़ के बराबर हो जाएगा बेटा? पी क्यू है, क्यू बाद में लिया गया है। इधर हम दोनों पॉइंट्स के जो वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स, उसको माइनस करेंगे। पी क्यू मालूम करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्यू माइनस पी हो जाएगा। बेटे अगर मैंने सी एफ मालूम करना होता तो वो किसके बराबर होता बेटा? एफ माइनस सी के। अगर मैंने ई जी मालूम करना होता तो बेटा वो किसके बराबर होता? बाद वाला पॉइंट कौन सा है? जी। पहला वाला पॉइंट कौन सा है? ई। क्लियर हो गया बेटे? जब भी आपने पोजीशन वेक्टर इस तरीके से मालूम करना होगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना होगा, यानी फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, फाइनल पॉइंट के कंपोनेंट्स आई जे के माइनस इनिशियल पॉइंट के कंपोनेंट्स यानी आई जे के। बेटे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पोजीशन वेक्टर पी क्यू आ जाएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालना तो आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। वैल्यू पुट करते हैं पोजीशन वेक्टर पी क्यू, इट विल बी इक्वल टू इन प्लेस ऑफ क्यू। बेटा क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है? Q का पोजीशन वेक्टर, Q बाद में नाम दिया था, मतलब R2 है। तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? R2 माइनस R1। मैंने ऐसे भी लिख दिया PQ, इट विल बी, बेटा ऐसे कब लिखेंगे? मतलब डायरेक्टली वैल्यू अगर मुझे Q दिया हुआ हो, किस तरीके से? इधर तो आई जे के की सूरत में दिया गया है। इसको ऐसे भी दिया जा सकता है कि पॉइंट P इंटू 2, 3, 4, सपोज करते हैं, ऐसे भी दिया जा सकता है। मतलब क्या है? P का पोजीशन वेक्टर क्या है? मैं अगर R1 से क्योंकि P के पोजीशन वेक्टर को शो करूंगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? 2, ये मतलब पहला वाला कंपोनेंट है I, प्लस खुद से प्लस डालूंगा 3 J, प्लस 4 K। अगर सपोज करते हैं Q हमें ऐसे दिया गया है, पॉइंट P Q की पोजीशन कैसे दी गई है? 3, -3, 5। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? Q के पोजीशन वेक्टर को मैं R2 से जाहिर कर देता हूँ, R2 किसके बराबर होगा? 3I माइनस 3J, कुछ भी नहीं है तो प्लस 5K। मतलब क्वेश्चन हमें ऐसे भी दिया जा सकता है, और हम फिर ऐसे बना लेंगे या डायरेक्टली हमें पोजीशन वेक्टर गिवन भी हो सकते हैं।
पी क्यू बराबर हो गया आर टू माइनस आर वन, मतलब पॉइंट क्यू का पोजिशन वैक्टर माइनस पॉइंट पी का पोजिशन वैक्टर। आर टू की वैल्यू कितनी है बेटा, फोर आई माइनस थ्री जे प्लस टू के, इसमें से हम माइनस कर देंगे आर वन को। बेटे आर वन क्या है, टू आई प्लस थ्री जे माइनस के। ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि माइनस इस पूरी ब्रैकेट से होगा। तो बेटे हमारे पास पोजिशन वैक्टर पी क्यू इट विल बी इक्वल टू फोर आई माइनस थ्री जे प्लस टू के। बेटा माइनस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस इनटू प्लस इट विल बी माइनस टू आई, माइनस अंदर सब साइन को चेंज कर देता है, माइनस इनटू प्लस इट विल बी माइनस थ्री जे, माइनस इनटू माइनस इट विल बी प्लस का के। बेटे अब आप जानते हैं, आपने अलजबरा में पढ़ा है कि जिन वेरिएबल जो वेरिएबल सेम होते हैं उनके कोएफिशिएंट ऐड या सबट्रैक्ट होते हैं, यानी आई आई में ऐड या सबट्रैक्ट होगा, जे जे में और के के में। तो बेटा 4i माइनस का 2i, तो बेटा 4 माइनस 2 कितना बचेगा, प्लस का 2i बचेगा। बेटे नेक्स्ट माइनस का 3j माइनस का 3j इट विल बी इक्वल टू माइनस का 6j। बेटा प्लस का 2k प्लस का k इट विल बी इक्वल टू 3k। बेटा पोजीशन वेक्टर PQ मालूम कर लिया, अब इसका यानी कि ये मालूम करना था, मैंने मालूम कर लिया तो इसको मैं क्या कर दूंगा बेटे, इसको मैं इस तरीके से बॉक्स बना दूंगा ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहे। अब मैं क्या मालूम करता हूँ बेटा, जब भी वेक्टर है इससे पोजिशन इससे क्या मालूम करना हो, मैग्नीट्यूड मालूम करना हो, हम उसके गिर्द क्या लगा देते हैं, मोड। मोड लगाने के बाद बेटा स्क्वायर रूट लगाते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। वेक्टर से मैग्नीट्यूड मालूम करने का ये तरीका है। बेटा आई के साथ वाला एक्स कंपोनेंट होता है, हम डायरेक्ट कर लेंगे, प्लस जे के साथ वाला माइनस सिक्स है तो माइनस सिक्स के ऊपर स्क्वायर। बेटा प्लस के साथ वाला जेड कंपोनेंट है तो मतलब प्लस थ्री का स्क्वायर। तो बेटा पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इट विल बी इक्वल टू बेटा टू का स्क्वायर फोर, सिक्स का स्क्वायर इट विल बी 36, थ्री का स्क्वायर इट विल बी 9। तो बेटा पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इट विल बी इक्वल टू बेटा 36 प्लस 4 इट विल बी 40 प्लस 9 इट विल बी 49। और स्क्वायर रूट 49 बेटा उसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो आंसर कितना आता है 7। हम साथ में क्या लगा देंगे बेटे, यूनिट लगा देंगे। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू भी मालूम करना था, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में कही गई है हम उसी को बॉक्स बना देंगे। समझ में आ गई बेटे, अल्लाह हाफिज़।